एक ही दिन में 24 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से दतिया जिले में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर दतिया कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने आपातकालीन बैठक लेकर कोरोना स्थिति की समीक्षा की। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत रखते हुए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना मामलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह संख्या बढ़कर 98 पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित एक्टिव मामले 49 हो गए हैं, जहां कोतवाली में एक सब इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमित होने से पूरी कोतवाली को क्वारंटाइन किया गया है, जहां कोतवाली में पदस्थ तकरीबन 29 पुलिसकर्मी क्वारंटाइन है। जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने नागरिकों से आग्रह किया कि वह जिला प्रशासन का सहयोग करें, जो लोग कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हैं वह खुद ही अपनी जानकारी दें और जांच कराएं, जिससे कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। जिला कलेक्टर ने पूरी मेडिकल टीम के साथ दतिया के 24 कंटेनमेंट इलाकों का जायजा लिया। शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया बनाए गए, उसका भ्रमण किया गया, जिले के पूर्व जोगी भ्रमण किया। कल विशेष सूचना मीटिंग में 24 में कंटेनमेंट एरिया बनाया जा चुका है और स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल भी दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस भ्रमण के दौरान ये बात भी सामने आई कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण काम होता है और जितने सारे लोग हम तो एक डायरेक्ट ट्रेसिंग करते ही हैं कि जो हमारे जानकारी में बात आती है कि वो सारे लोग संपर्क में आए, उनका लोग सैंपल होते हैं। मेरा यह भी सुझाव, मेरा यह भी कहना है कि कई बार यह नहीं पता चलता है कि कितने लोग वास्तव में संपर्क में आए उन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के। तो मेरा ऐसा सुझाव है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो सारे लोग जिनको ये लगता है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में हैं, वो स्वयं भी स्वप्रेरणा से भी हमें जानकारी दें, ताकि उनका भी विधिवत सैंपलिंग की जा सके। इससे हमें अपनी दतिया जिले को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। जो 24 पेशेंट आए हैं उनको लेकर चिंतित रहा, उन सबकी विधिवत मैनेजमेंट हमें लेकर रहे हैं और हमारा जिला सुरक्षित रहेगा। आप सब लोगों का बराबर सहयोग मिलता है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।